मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। यहां वो राज्य यूथ कांग्रेस के साथ महंगाई और बेरोजगारी पर हो रहे प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे थे। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद श्रीनिवास ने वीडियो शेयर करते हुए शिवराज सरकार को चेतावनी के लहजे से ट्वीट किया। जी हां, श्रीनिवास बीबी ने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव के पहले का नजारा देख ले शिवराज। वहीं अंजाम की परवाह किए बगैर आपसे तीखे सवाल पूछने जल्द ही हजारों युवा कूच करेंगे। एक और ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा है कि यलगार हो विधानसभा घेराव से डरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निवास का घेराव की ओर निकल चुका है। वहीं मध्य प्रदेश के वाजिब सवालों के साथ हजारों युवा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री आवास घेराव के पहले का नजारा देख ले शिवराज, अंजाम की परवाह किए बगैर आपसे तीखे सवाल पूछने जल्द ही हजारों युवा कूच करेंगे। वहीं बता दें कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बिल में बढ़ोतरी, जासूसी कांड और काले कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने जा रही थी, लेकिन सत्र स्थगित हो जाने पर कांग्रेस नेता ने प्लान बदला और सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े। श्रीनिवास बीबी के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता का हुजूम था जो शिवराज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शिवराज जी चौक पर रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर प्रशासन ने लाठी चार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों का तितर बितर कर दिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।